पितृपक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि के बारे में आपको पता न हो या किसी भी कारण से आप अपने प्रियजन को श्राद्ध अर्पित न कर पाए हो। 2023 में सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। माना जाता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यहाँ दीपक जलाना चाहिए। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध, मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। माना जाता है कि इस जल से तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। इस दिन गाय को हरा पालक या हरा चारा खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से गौ माता समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही पितृ प्रसन्न होकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष के 15 दिन में तर्पण नहीं कर पाए हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इस तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष में दान का भी बहुत महत्व है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान जरूर देना चाहिए। इस दिन चांदी का दान देना सबसे उत्तम माना गया है। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं।